रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 60 साल के बूढ़े व्यक्ति ने जवान लड़की से भागकर की शादी। सही कहते हैं प्यार अंधा होता है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे के बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। हाल ही में एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसे देखने के बाद हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। यह घटना झारखंड के एक छोटे से गाँव में हुई है। यह एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए हैं। इस घटना में एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति ने लगभग 30 साल की जवान लड़की से भागकर शादी कर ली है। आपको बता दें, झारखंड के साहिबगंज जिले के रहने वाले 60 साल के बूढ़े व्यक्ति सुकेन और 30 साल की जवान लड़की सुहानी दोनों ने भागकर शादी कर ली। गांव वालों का कहना है कि लड़की के माता पिता ने लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यह घटना घटी है। आपको बता दें, यह 60 का बूढ़ा व्यक्ति उस लड़की के घर के पास ही रहता था, जिसकी वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर अचानक दोनों ने भागकर शादी कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि उसके घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन शादी कर लेने के बाद दोनों वापस घर आए और फिर लड़की के माता पिता को यह शादी माननी पड़ी, क्योंकि सुहानी अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी।